अपनी खत्म करना के हमारे मेहमान खुशी का स्वागत है डिप्टी कमिश्नर कार्यक्रम प्रशासन विभाग चौधरी कार्यवाही सौभाग्य तालियों से आप स्वागत है कार्यक्रम वाला कोऑर्डिनेटर नेहरू युवा केंद्र संगठन कार्यक्रम और उसके साथ हमारे गेस्ट का बोलने एसएसपी कार्यक्रम डॉक्टर विनोद कुमार आईपीएस उनका भी द्वारा की खत्म करना के स्वागत किया जा रहा है इसके बाद हमारे एलडीसी रुद्र डिप्टी कमिश्नर साहब का भी रियायती खत्म करना के जो आज के
afternoon, ma'am, district coordinator, youth services, other district officers, press club ke officials, orchestra team, participants, police officials, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं नेहरू युवा केंद्र के जो ऑफिसर्स ऑफिशियल्स जिन्होंने जो दो दिन का डिस्ट्रिक्ट यूथ कन्वेंशन आपने की है जिसमें फोक आर्ट्स स्पोर्ट्स कंपटीशन, आर्चरी कंपटीशन जो अलग अलग जगहों पे कराया है मैं उनको बधाई देता हूँ कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के यूथ्स हैं उनको वो कंस्ट्रक्टिवली एंगेज कर रहे हैं और ताकि वो नेशन बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करें इसके साथ ही जो हमारा यूथ है या वो डिफरेंट कल्चरल प्रोग्राम है जहाँ स्पोर्ट्स कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं एक तो वो अपने जो स्किल्स हैं उनको शार्पन करते हैं उसके साथ ही जो एक टेंडेंसी रहती है एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने की जो उसमें इन्वॉल्व होने के लिए जो जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं ये यूथ को प्रिवेंट करती है तो मैं ये आशा करता हूं कि नेहरू युवा केंद्र जो 1972 में एस्टेब्लिश हुआ था और वो जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसी एक्टिविटीज चाहे वो स्पोर्ट्स के फील्ड में हो चाहे कल्चर के कल्चरल इवेंट्स हो वो कंटिन्यू कराते रहे ताकि हमारे यूथ एक तो उनको अपने टैलेंट को शोकेस करने के लिए प्लेटफॉर्म मिले अपने स्किल्स को शार्प करे इसके साथ ही जो एंटी सोशल एक्टिविटीज हैं चाहे वो ड्रग एडिक्शन है चाहे और है उससे वो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का यूथ है वो दूर रहे डिस्ट्रिक्ट पुलिस कारगिल सिविक एक्शन प्रोग्राम में हम भी डिफरेंट कल्चरल प्रोग्राम है जहाँ ट्रेडिशनल जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं उनको करवाते हैं रिसेंटली हमने कुछ कार्यक्रम यहाँ पे किए और जो एम्फेसिस है अभी हमारे पुलिस हेडक्वार्टर का वो ज्यादा से ज्यादा जो कल्चरल इवेंट्स हैं कल्चरल एक्टिविटीज हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग खितों में तो मैं आप सबके बीच और हमारे वर्दी चीफ गेस्ट के बीच ज्यादा खड़ा नहीं रहूंगा मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ एक बार दोबारा मैं नेहरू युवा केंद्र कारगिल के जो ऑफिसरान हैं उनको तहे दिल से बधाई देता हूँ कि उन्होंने स्पोर्ट्स के इवेंट्स और कल्चरल प्रोग्राम जो है यहाँ डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किए और इसके साथ ही मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ थैंक यू प्रोग्राम का नाम भी अगर आप देख रहे हैं तो शायद युवा एक मेन पॉइंट है एक मेन वर्ड है जिसपे फोकस किया And all the respected dignitaries from the media and other people. ये बड़ी खुशी की बात है कि आप ऐसे मौकों पे ये चीजें ऑर्गेनाइज कराते हैं लेकिन मैं यहाँ पे मैडम से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वो सिर्फ जो है मार्च के एंड पे ही इन चीजों को फोकस ना करें बल्कि थ्रू आउट द ईयर जो है वो इस चीज को जो है बढ़ावा दे क्योंकि दुनिया में मौसीकी या कल्चर ही एक ऐसी चीज है जो हर आदमी को जोड़ के रखता है बिना किसी जात के बिना किसी मजहब के बिना किसी नस्ल के रंग के रूप के कल्चर ही एक ऐसी चीज है कि वो हम लोगों को जोड़ के रखती है उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कि हम लोग
एक जश्न करगिल करके एक शाम जो है वो यहाँ पे मनाए। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सारे उसमें जो है वो तशरीफ लाए, ताकि जो एक कल्चर की रवायत है, क्योंकि आप किसी भी सोसाइटी के अंदर चले जाए तो कल्चर को आप खत्म नहीं कर सकते, बिकॉज कल्चर ही एक ऐसी चीज है जो आपको जोड़ के रखेगी, जो हमें जोड़ के रखेगी, जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को जोड़ के रखती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन को लोगों के साथ जोड़ के रखती है, और जो यूथ को बच्चों के साथ जोड़ के रखती है, और यूथ को एल्डर्स के साथ भी जोड़ के रखती है। तो ओनली थिंग जो है वो कल्चर, क्योंकि वो बिना किसी नस्ल जात पात के सबके बराबर होती है। दूसरे यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जो है वो सिंगिंग की, हमारी एक बहुत अच्छी फीमेल सिंगर थी, उन्होंने बहुत अच्छा गाया। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इतना अच्छा गाएंगे, लेकिन उन्होंने सच में बहुत अच्छा गाया। उसके लिए रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप उनके लिए क्लैपिंग करें। उसके बाद जो हमारा दूसरा जो ट्रेडिशनल इनका फोक डांस और फोक सॉन्ग थे, दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब, एंड वन ऑफ माय कलीग शायद यहाँ पे थे, मैं उनको मीडिया में भी काम करते हैं एज ए जर्नलिस्ट, और यहाँ पे भी थे। तो दिस इज द वे कि कैसे वो जो है अपने आप को पहचान करते हैं कि वो कल्चर के साथ भी जुड़े हैं, मीडिया के साथ भी जुड़े हैं। तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल कि कैसे हम एक दूसरे को जोड़ के रख सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि हम जहाँ पे भी जाएंगे, किसी भी एरिया में, किसी भी उसमें, तो मैं मैडम से भी बोलूँगा, और हमारे ADC साहब हैं उनसे भी, और SSP साहब हैं यहाँ पे, एजुकेशन के हमारे CEO साहब हैं, कल्चर के हमारे डिस्ट्रिक्ट कल्चर ऑफिसर यहाँ पे हैं, कि आप इसको सिर्फ जो है वो ऑडिटोरियम तक ही महदूद मत रखो। ये कल्चर है, क्योंकि लद्दाख एक ऐसा रीजन है कि जहाँ पे हर 10 किलोमीटर के बाद कल्चर और लैंग्वेज बदल जाती है। तो ये जो कल्चर है, जो डिफरेंट, मतलब एक यूनिक कल्चर है, इसको जो है प्रिजर्व करना और इसको जो है उभार के सामने लाना, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में सामने लाना, ये बहुत जरूरी चीज है और ये हमें करनी है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और भी बताता चलूं कि ये सिर्फ आप किसी कोई फंक्शन होगा तो वहां तक ऑर्गेनाइज मत करवाएंगे। मैं CEO साहब को बोलूंगा कि आप अपने अपने जितने भी स्कूल्स हैं वहां पे कल्चरल इवेंट्स रखें, उनके अंदर कंपटीशन करवाएं, क्योंकि कल्चर और जिसको हम बोलते हैं कि म्यूजिक जो है, ये एक ऐसी चीज है कि जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। क्योंकि हर आदमी जो है वो अपने अपने प्रोफेशन में तो रहता ही है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं कोई शौक या कहीं ना कहीं कोई हॉबी है जो वो जरूर पाल के रखता है। तो ये चीजें जो है ये आपको आपस में जुड़ने में बहुत आपको हेल्प करेंगी, नंबर वन। नंबर टू ये है कि इससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, कि आप सिर्फ जो है अपने काम जैसे पढ़ाई तक ही महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि कल्चर से भी जुड़ेंगे। आप सिर्फ अपने प्रोफेशन, जैसे मुझे अच्छा लगा कि वो एज ए जर्नलिज्म का काम भी करते हैं बट कल्चर के साथ भी जुड़े, तो ये उनका शौक है। तो आप सबने जो है वो इंश्योर करना है कि अपने अपने शौक जो है उसको जिंदा रखा जाए, और उस शौक के बेसिस पे आपने जो है डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे फंक्शन ऑर्गेनाइज कराओ। ये जरूरी नहीं है कि आप बड़े लेवल पे जाके फंक्शन ऑर्गेनाइज कराओ। CEO साहब आप इंश्योर करेंगे कि आप जो जितनी भी हमारी हायर सेकेंडरीज हैं और स्कूल्स हैं, इनके अंदर कम से कम 2 महीने के अंदर जो है कल्चरल कंपटीशन होना चाहिए। जैसे हमारा स्पोर्ट्स का कंपटीशन होता है, चाहे वो आर्चरी इसको ले लें, चाहे इसको ले लें, हमारा जो अभी पोलोस गेम जो है स्टार्ट होगी, तो इस तरीके से आप जो है वो कल्चरल प्रोग्राम जो करते हैं। हमारा क्या है कि हम या तो 26 जनवरी को हम कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या 15 अगस्त को करवाते हैं। तो ये इनको सिर्फ बड़े फंक्शंस तक ही सीमित मत रखो। आप छोटे लेवल पे, जैसे सब डिविजन लेवल पे, वहां पे आप ऑर्गेनाइज कराओ। जैसे आपने देखा होगा कि हमने टैलेंट हंट शुरू किया था जो खेलो इंडिया के तहत, उसमें हमारे जितने भी थे, आपने जो है वो जोन लेवल पे पहले उनको सर्च करना है, फिर आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करना है, तो फिर एक टीम जो है वो आगे नेशनल लेवल तक जाएगी। तो आपने इंश्योर करना है कि हम इन चीज़ों को जो है वो बढ़ावा दें, और मेरी तरफ से खेलो इंडिया के तहत जितना मैं कर सकता हूँ वो करूँगा, और हम इंश्योर करेंगे कि आपके इसकी ऑडिटोरियम की भी मरम्मत करवाएं, क्योंकि मैंने शायद ये पहला प्रोग्राम यहाँ पे अटेंड किया है, ताकि हम इसको और अच्छे से बनाएं, ताकि और आपको बैठने में जो है वो सहूलत हो, आसानी हो। दूसरा ये, यहाँ पे अगर गाने गा रहे थे, डांस कर रहे थे, तो आपको मना कर रहे थे कि सीटी नहीं बजाएंगे, तो अगर आप सीटी नहीं बजाएंगे तो आप लुत्फ कैसे लें? तो कोई भी कल्चर है, जब तक आप लुत्फ़अंदोज़ नहीं होंगे, जब उसको आप एंजॉय नहीं करेंगे, तो फिर कल्चर किस बात का होगा, ठीक है ना? तो इस चीज को आपने जिंदा रखना है अपनी अपनी मान मर्यादा में रहते हुए,
और ऐसी चीजों पे जोश दिखाना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो बाकी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हमारी जो नेहरू युवा केंद्र की जो हेड है लाडा, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैडम इनके साथ साथ जो है वो आपने भी और जोश दिखना चाहिए कि ताकि पता लगे कि युवा के आप हेड हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं पता लगना चाहिए कि भाई नाम तो हमारा युवा है लेकिन हमारी सोच जो है वो 100 साल जैसी हो। अगर नाम युवा है तो सोच हमारी जो है वो बहुत बचपने वाली होनी चाहिए। इसे देखेंगे, जितना इन चीजों से देखेंगे तो ये और आपको तरक्की देता है। तो अभी हम एक जश्न करगिल जो है वो शाम जो है यहाँ पे मनाएंगे और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप जैसे यूथ जो है वो यहाँ पे आए, ठीक है। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया, थैंक यू सर। रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज स्टेज पे आ रहे और साथ में एसएसपी कारगिल डॉक्टर विनोद से भी गुजारिश करता हूँ कि वो भी डाइस में आए। एंड एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कारगिल साहब से भी रिक्वेस्ट है वो डाइस पे आए। चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो आज के स्पेशल गेस्ट है उनसे भी रिक्वेस्ट है डाइस पे आके कि ये यहाँ पे एक स्पोर्ट्स मीट भी हुआ था कल जिसपे लड़के और लड़कियों का यहाँ आर्चरी का मुकाबला भी हुआ था। तो ये स्पोर्ट्स प्लस कल्चरल कन्वेंशन था, यूथ कन्वेंशन। तो बच्चों से गुजारिश है कि वो तैयार रखें, पहले हम गर्ल्स के लिए देंगे। मकसूमा तैयार रहें आप, मकसूमा तैयबा नसरी आप लोग तैयार रहें प्राइस के लिए। तो सबसे पहले मैं आर्चरी जो कल यहाँ पे जबत हमें खेला गया उनमें हमारे लिए सपोर्ट थी यहाँ मिस्टर मोहम्मद साहब जरीपियो तसरू और उनके साथ साथ गुलाम अहमद पीएम डीवाईएसओ कारगिल और मिस्टर मोहम्मद साजिद मेडिकल असिस्टेंट जो आर्चरी एक्सपर्ट भी है नेशनल प्लेयर भी है। तो सबसे पहले मैं थर्ड पोजीशन के लिए नासरीन फातिमा डॉक्टर मोहम्मद अली एमपीएस बरू से गुजारिश करता हूँ कि वो आर्चरी के थर्ड प्राइज उन्होंने हासिल किया है। तो मैं प्राइस के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर से गुजारिश करूंगा कि वो ये प्राइस दे रहे थर्ड प्राइस। थर्ड प्राइस तो सेकंड प्राइस के लिए तैयबा फातिमा डॉक्टर मोहम्मद मूसा एमपीएस ये सेकंड प्राइस इनको मिला है। आप जल्दी से याद आए रहे और हमारे एसएसपी कारगिल से जो है सेकंड प्राइस हासिल करें, सेकंड प्राइस एसएसपी कारगिल से हासिल करें डॉक्टर विनोद कुमार। तो तालियां बजा के इनकी स्वागत करें। तो आज के चैंपियन ऑफ आर्चरी कंपटीशन 2019 मकसूमा अमीन डॉक्टर मोहम्मद अमीन गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल से है। मुझे ये है थर्ड प्राइस मोहम्मद हुसैन सलाम मोहम्मद अली एमपीएस बरू। तो हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब इनको प्राइस देंगे, दो बार पहले इनके लिए। तो विलायत अली सलाम मोहम्मद इब्राहिम सौफ बरू थर्ड प्राइस, इन्होंने 56 पॉइंट हासिल किए थे। तो उनसे गुजारिश है कि वो जल्दी से आके प्राइस हासिल करें एसएसपी कारगिल साहब से। फर्स्ट प्राइस के लिए भी मोहम्मद अली तैयार है तो दो बार तैयार। सेकंड प्राइस के लिए तो फर्स्ट प्राइस के लिए मोहम्मद अली सलाम मोहम्मद हुसैन दो बार तैयार। हमारे आज के मेहमान खुसूसी वसीमुल हक चौधरी साहब आईएएस, तो उनसे गुजारिश है कि फर्स्ट प्राइस के लिए दो बार तैयार इनके लिए। तो सभी ये प्रोग्राम ये आर्चरी इन तीन ऑफिसर के बगैर बिल्कुल नामुमकिन था, तो इनके लिए भी इनाम दिया जा रहा है। सबसे पहले मैं मोहम्मद इसाफ जरीपी और पेशरू से गुजारिश करता हूं जो आर्चरी कोच भी है, तो उनसे गुजारिश करता हूं कि वो प्राइस हासिल करें
यहाँ आके डीसी साहब से कसी विभाग चौधरी डिप्टी कमिश्नर कारगिल सर, इन्होंने काफी मदद की इस आर्चरी कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। उसके बाद गुलाम अहमद पीएम से भी गुजारिश है कि जल्दी से आप तशरीफ लाएं। तो ये एसएसपी साहब से गुजारिश है कि इनको ये नेहरू युवा केंद्र संगठन की तरफ से ये इनाम, जिन्होंने काफी मेहनत की है इस आर्चरी कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो मिस्टर मोहम्मद सागे जो नेशनल प्लेयर है आर्चरी के, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी कल पूरे दिन पर रहे कारगिल से। आर्चरी नेशनल आर्चरी प्लेयर भी है, तो उन्होंने काफी मदद की, तो उनसे गुजारिश है कि वो इनाम हासिल करें। और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कारगिल साहब से। तो इसके बाद जो कुछ स्पेशल प्राइज दिए जा रहे हैं, बेस्ट स्पेशल अवार्ड जो वॉलंटियर जिन्होंने नेहरू युवा केंद्र के मुख्तलिफ प्रोग्राम को जो है ऑर्गेनाइज करके सक्सेसफुल कराया, तो मैं श्री सवाम रिक सिंह से गुजारिश करता हूं कि वो प्राइज हासिल करें डिप्टी कमिश्नर कारगिल से। सवाम रिक सिंह, तो ये नेहरू युवा केंद्र की तरफ से क्योंकि काफी मदद की है इनके प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो वो प्राइस हासिल करें बसीरुल्लाह चौधरी डिप्टी कमिश्नर साहब से। इसके बाद मैं मोहम्मद अब्बास से गुजारिश करता हूं कि वो एसएसपी कारगिल साहब से ये इनाम हासिल करें जिनको नेहरू युवा केंद्र संगठन ने बेस्ट वॉलंटियर अवार्ड दिया है। तो इसके बाद श्री अली हैदर से गुजारिश है कि वो भी इनाम हासिल करें, ये जिन्होंने काफी अच्छा काम किया है 2018-19 में नेहरू युवा केंद्र संगठन के साथ, तो वो इनाम हासिल करें। इसके बाद गुलाम अब्बास जूनियर, ये दूसरे अब्बास है वॉलंटियर, उनसे गुजारिश है। तो जोरदार तालियां बजाकर आप स्वागत करें कि बहुत बड़ा काम किया है इन्होंने, तब जाके इनको इनाम मिला है। तो उम्मीद है कि आने वाले दिन में आप भी होंगे। उसके बाद मैं प्रेसिडेंट प्रेस क्लब कारगिल आईबीएम खालू से गुजारिश करता हूं कि उनको भी नेहरू युवा केंद्र संगठन की तरफ से एक इनाम दिया जा रहा है, क्योंकि काफी मीडिया का रोल है, ये पूरा प्रेस क्लब को दिया जा रहा है। उनके हाथ और प्रेस क्लब प्रेसिडेंट आईबीएम खालू, ये मेहमान खुसूसी से। तो आखिर में मुझ नाचीज को मोहम्मद अली पोलो को भी इनाम दिया है, तो मैं भी इनाम लेने जाऊंगा। आज के स्पेशल गेस्ट है, मैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब को हमारे एनवाईके की तरफ से मेमेंटो दिया जाएंगे। हाँ, एसटीवी के लिए भी है, तो उनका रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो भी ले लें। एसटीवी अभी यहाँ इंफॉर्मेशन आया कि एसटीवी के भी कोई रिप्रेजेंटेटिव है, हाँ वो भी इनाम ले लें। हाँ, तो उनका बिहार के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन की तरफ से आज के स्पेशल गेस्ट सीओ कारगिल को एक अवार्ड दिया जा रहा है, तो डिप्टी कमिश्नर बसीरुल्लाह चौधरी से गुजारिश है कि उनको ये अवार्ड से नवाजे। तो ये नेहरू युवा केंद्र संगठन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड सपोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। उसके बाद आज के गेस्ट ऑफ ऑनर, सेकंड गेस्ट ऑफ ऑनर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब को भी एसएसपी कारगिल से गुजारिश है कि उनको ये अवार्ड दे दें। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कारगिल साहब। तो उसके बाद मैं मैडम से गुजारिश करता हूं कि वो आज के सेकंड गेस्ट ऑफ ऑनर एसएसपी कारगिल साहब को भी एक मेमेंटो दे दें अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, नेहरू युवा केंद्र संगठन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। आखिर में जोरदार तालियों के साथ आज के मेहमान खुसूसी बसीरुल्लाह चौधरी साहब को। तो सभी अपने
प्रोग्राम कोशिश कर रहे हैं। हमारी यही कोशिश है कि हमारा जो प्रोग्राम करने का मकसद यही था कि हमारा जो कल्चर है वो ख़त्म ना होए और इसको आगे बढ़ने दे, जो मतलब चाहे जितने भी पीढ़ी आ जाए हमारे कल्चर ही रहे। आगे और किस तरह के प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज करोगे? आगे अभी तक हमारा एक्शन प्लान नहीं बना है, आगे भी इस तरह के ही प्रोग्राम होगा, लेकिन इंशाल्लाह हम इससे भी अच्छा प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। और हमारे जवान जो युवा हैं, जो हमारे रूरल जो स्कूल ड्रॉप आउट है, उनको भी हम मौका दे देंगे। जो हमारे नेहरू युवा केंद्र का मेन मकसद यही है कि स्कूल ड्रॉप आउट को लेकर आगे बढ़ना, जिसकी उम्र 15 से 35 साल के बीच हो, जो स्कूल से बेकार है, वो जो बेकार बैठे हैं, हम बोलते हैं कि भी जो खाली दिमाग है उसके अंदर शैतान घोंसला बनाती है, तो इन युवाओं को हम इन्वॉल्व करते हैं ताकि वो बिजी रहे, आगे गलत काम करें। मैं यही कहूँगी कि भाई आजकल आप जो मतलब हर जगह पे खून रेजी देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से युवा जो है हर एक मतलब चीज़ में उनका जो है ज़्यादा हिस्सा है, कि भाई हिंदुस्तान का जो आधा हिस्सा वो यूथ है। मैं यही कहूँगी यूथ को कि भाई क्यों लड़ते हो मूर्ख बंदे, ये तेरी खाम ख्याली है, है पेड़ की जड़ तो एक ही, वहीं हर मसब डाली है। इसलिए मैं यही यूथ को कहना चाहती हूँ कि आप लोग आपस में मिल के रहें, क्योंकि कौमी यकजहती में ही कौम की तरक्की जो है कौमी यकजहती में ही है।